मनामी तुम अंदर आ जाओ। सुबह बखैर मेरी जान। गुड मॉर्निंग, मैं बस जल्दी से तैयार होती हूँ फिर हम निकलते हैं। ठीक है मनामी, वैसे हम इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? जो जल्दी बोता है वही जल्दी काटता है। इसका मतलब है जल्द काम शुरू करने वाले कामयाब होते हैं। शाबाश मेरी शागिर्द। हाँ तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? फरीद साहब के घर। मनामी हमें फरीद साहब के घर क्यों जाना है? कल उन्हें मीटिंग का कहा था, वो कहने लगे मेरे घर पर कर लेते हैं। चलो चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। वाह इतना बड़ा महल, मुबारक हो। मनामी वैसे तुम्हारी बातें बहुत मजे की होती हैं। लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है ये। बहुत खूबसूरत है। सलाम नाजली। हेलो। दिन अच्छा गुजरे। दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़। वाह यार, काफी बर्दाश्त है इसमें। जब मैं यहाँ जॉब कर रही थी तो कोई नहीं था, देखो अब ये आ गई है। हाँ तो ऐसा क्यों कह रही हो? ओ मनामी लंबी कहानी है, फिर किसी दिन बताऊंगी। फरीद साहब के लिए तरतीब बहुत अहम है, मतलब फरीद साहब की चीजों को जरा भी इधर उधर मत करना, ठीक है ना? और आपका काम किचन में है तो आपकी जगह भी किचन में है, घर की बाकी जगहों पे आप पाँव भी नहीं रखिएगा। क्या आप मेरी बात समझ गई हैं? वॉशरूम भी नहीं जा सकती क्या? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखिए मोहतरमा, जरूरत पड़ने पे जा सकती है, वॉशरूम कॉरिडोर के आखिर में है, तुम वो इस्तेमाल कर सकती हो। अब इन सारी बातों के बाद आपको नौकरी का पहला दिन मुबारक हो। फरीद साहब का नाश्ता। आह खुशामदीद नाजली साहिबा, नाश्ते में मेहमान आए हैं तो आप नाश्ते के लिए कुछ तैयार कर लीजिए। ठीक है, शाम को मैं अच्छी सी फलिया बना लूंगी। शाम को अच्छी सी फलिया मत बनाइएगा हुलिया साहिबा। देखें ये लिस्ट है, पूरे हफ्ते की फहरिस्त है, आपको क्या करना है सब लिखा है इसमें। माफ कीजिएगा एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मिसेस इकबाल, ये मनामी है मेरी दोस्त, मेरा मतलब है फरीद साहब और मेरी नई पार्टनर। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। फरीद साहब नहीं है क्या? वो ऊपर हैं, थोड़ी देर तक आते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूंगी, मुझे ऑफिस जाना है। खुदा हाफिज़। हैव अ गुड डे। चलो हम गार्डन में चल के बैठते हैं, हमारे दरमियान होने वाली बातों को याद रखिएगा। हाँ इन चीजों को भी शामिल करने के बाद कमोपेश इतना बजट बना है। ठीक है चलो, एटलीस्ट हमें अपने बजट का तो आइडिया है, उसे देख के पाँव फैलाएंगे, है ना? ऐसा ही है बिल्कुल, जरूरत पड़ने पे एक जगह से दूसरी जगह शामिल किए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले हम नाश्ता करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बहुत खूब, भूख भी लग रही है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी शुक्रिया। एंजॉय योर मील। बहुत मजे का है। नाजली के खाने से कोई मुकाबला तो नहीं है लेकिन चलेगा। मैं अगर होती तो इसमें दही जरूर डालती, इससे टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन ये भी ठीक ही है। दही डालने को तो मैंने कहा था, जिस तरह तुम बनाती थी, लेकिन हर कोई मास्टर के जैसा नहीं बना सकता। बनाएगी तो आदत हो जाएगी। इन सब कामों की लिस्ट बनाकर इनॉग्रेशन की डेट फिक्स कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी डेट डिसाइड कर ली है, अगले हफ्ते खोल रहे हैं, जल्दी है हमें। नेक्स्ट वीक तक ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। जो हो सका कर लेंगे, जरूरी नहीं कि पहले दिन ही कर लें। जल्दी करने की कोई खास वजह है क्या? जितना जल्दी हो सके हम ये रेस्टोरेंट खोल के पैसे कमाना चाहते हैं। बैंक से जो कर्जा लिया है वो कर्जा भी तो वापस लौटाना है। खैर बजट का तो पता है, जाहिर है जो चीजें चाहिए फौरन पूरी कर लेते हैं ताकि टाइमली सारा काम हो जाए। इनका मतलब है कि मसले वक्त के साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। जी फरीद साहब, मैं अपनी सोच के बरक्स एक जापानीज पार्टनर के साथ काम कर रही हूँ। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो ये मशरिकी और मगरबी पार्टनरशिप है। पुराने मामलात हल किए बगैर नए खोल देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सही प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है हम बिना किसी मुश्किल के कर लेंगे। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। वोट करते हैं, वो जो कह रहे हो इस हफ्ते शुरुआत होनी चाहिए। 2-1 से हार गए आप नाजली।
आप दोनों जो कह रही हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इस तरह हम दोनों कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। फरीद साहब, मुझे लगता है यहाँ जो फैसले होंगे वो इनफरादी राय के बजाय वोटिंग से किए जाएं तो अच्छा होगा। मतलब हमें अक्सरियत की बुनियाद पे फैसले करने चाहिए। मनामी और मैं ज्यादा अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। नाज़ली, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। इन बातों का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप दोनों अक्सरियत नहीं हो सकते। अच्छा, फिर मैं आपको जरा आसान अल्फाज में समझाती हूँ। दो एक से ज्यादा होता है, यानी हमारे वोट ज्यादा है। रेस्टोरेंट अगले वीक खुल रहा है मनामी, नेक्स्ट प्लान की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़ली, आगे। और ये है दूसरा प्लान, एम्प्लॉइज चाहिए। खुश आमदीद आसुमान। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? तुम्हारा क्या काम है इधर? मैंने बुलाया है, आज के बाद आसुमान रेस्टोरेंट के कामों में मेरी मदद करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट डूब जाए। तुमसे निपटने के लिए तुम्हारी जबान समझने वाला कोई जरूरी था। हाँ, कहाँ पे थे हम? वो मुलाजमीन जिनकी भर्ती के मुतालिक मंसूबा बनाना था, इस फाइल के तीसरे सफे पर जाएं। चलाक औरत, बताया क्यों नहीं? सांप कहेगी। मेरी पेंसिल भी ले ली। हाँ तो आसुमान, नोट दोबारा पढ़ो। मनामी साहिबा स्टाफ की टीम को संभाल लेंगी। वेटर्स और रिसेप्शनिस्ट की हायरिंग, कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ ऑफिस की देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी है। ठीक है। फरीद साहब, आप कॉन्फ़िगरेशन से बाखबर रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग, जहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो वो सारे काम। नाज़ली साहिबा, किचन की सारी जिम्मेदारी आपकी है। किचन के सारे सामान की सप्लाई, साथ साथ किचन के स्टाफ की हायरिंग वगैरह सब आप देखेंगी। ठीक है। मैंने ज्यादा काम खुद कर लिए हैं। कपड़ों का काम फतोश देख रही है, वो भी आज फाइनल हो जाएगा। वैसे इतना ज्यादा काम भी नहीं है, है ना? हाँ हाँ, बुरा नहीं है। अगर सब अपने अपने काम अच्छे से करें तो सारे काम नेक्स्ट वीक तक हो जाने चाहिए। ठीक है। नाम क्या हुआ? नाम को नाम क्या होगा? रेस्टोरेंट का नाम तो पहले ही है, हम वही कंटिन्यू कर सकते हैं। दस्तखत के खर्चों की बचत हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोग अगली मीटिंग तक कोई ना कोई नाम सोच के रखें, और साथ में मेन्यू भी। कॉन्सेप्ट क्या होगा, कौन से खाने पेश किए जाएंगे, कीमत क्या होगी खानों की। मेन्यू बनाने में वक्त जरूर लगेगा। हमें देखना है हमारे कस्टमर्स कैसे होंगे, उस हिसाब से हम मेन्यू डिसाइड करेंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि क्राफ्ट पेपर पे मेन्यू लिखा जाए। अगर हमें कोई तब्दीली करनी हो तो पेजेस जाया नहीं करने होंगे। मेन्यू फाइल्स काफी होंगे, अफोर्डेबल भी है और प्यारा भी लगेगा। दरवाजों पर लिखवा दो कि अच्छा खाना मिलता है। ये रेस्टोरेंट एक कारोबारी मरकज है, उन आम रेस्टोरेंट जैसा नहीं है जहाँ घर के खाने मिलते हो। इस रेस्टोरेंट का एक खास नाम और इसकी क्लास के मुताबिक इसका मेन्यू होगा, कस्टमर पोर्टफोलियो होगा। समझ रही हो ना तुम? बहुत अच्छे से समझते हैं फरी साहब। नाज़ली, इन सब बातों का फौरी फैसला करना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर सब लोग अपने काम में लग जाएं, अगली मीटिंग में इसका फैसला होगा। आसुमान, तुम नोट्स तैयार करो उसके। मेरी बहन, नोट्स में जरा ये भी लिख दो। क्या मतलब है आपा? आसुमान साहिबा, क्या आप प्लीज नोट में ये भी ऐड कर देंगी कि फिलहाल हमें एक स्प्रे की भी जरूरत है। आसुमान साहिबा। जी जी नाज़ली साहिबा, अभी लिख लेती हूँ। वैसे आपको आसुमान साहिबा कहने की जरूरत नहीं है, हमारे दरमियान पोजीशन और उम्र का काफी फर्क है। मैं घर जाके तुम्हें बहुत मारूंगी, फिक्र मत करो। आलिया, आलिया, कितना अच्छा सरप्राइज है, यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा चक्कर लगा लेती हूँ। अच्छा किया, अगर तुम लोग मेरी ऐसी हौसला अफजाई करते रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या मुझे अंदर नहीं घुमाओगी? सो सॉरी यार, अंदर आ जाओ। ये है मेरा रेस्टोरेंट। बहुत प्यारा है ये तो। मुझे भी यही लगता है। शुरू में तो मुझे ये लगा कि अपना रेस्टोरेंट है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सबने कहा तो यकीन हो गया। सच में बहुत खूबसूरत जगह है ये। कंप्लीट हो गया या कोई काम बाकी है? है थोड़े काम बाकी, मैं फौरन शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन फरीद साहब,
हर चीज की बारीकी में जा रहे हैं, तो उन पे छोड़ दिया तो एक महीने तक नहीं खुलेगा। वैसे तुम अपने काम को लेकर बहुत ही पुरजोश हो, और फरीद के साथ दोबारा काम करना तो और भी अच्छा होगा। पार्टनर्स की हैसियत से हाँ, अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। लगता है तुम मुझसे कुछ पीने के लिए भी नहीं पूछोगी। चलो आ जाओ। तुम अभी के लिए यहाँ बैठो, वादा करती हूँ कि इससे अच्छी जगह दे दूंगी। मेरी वफादार खुशामदीद बावर्ची खाने में खुशामदीद। तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। नाजली किचन में हूँ। फतोश बहुत ही बासलायत है हमारी बच्ची, कैसी हो? ऐसा खाना बनाती है उंगलियां चाटते रह जाते हैं लोग। आओ मेरी प्यारी दोस्त, इस टूटी हुई छुरी की कोई अच्छी सी जगह बनाते हैं। मेरी जान नाजली, मेरी प्यारी सहेली, मेरा सब कुछ। मेरे हाथ में छुरी है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा ख्वाब सच हो मेरी जान। ये देखो। आसान काम कर रही हो। आसान है तो आपको भी करना पड़ेगा फरीद साहब। और ये कहाँ से निकाल लिया आपने? मेरे ख्याल से ये अच्छा लगेगा इधर। बहुत अच्छा, चलता भी है क्या या फिर सिर्फ शो पीस है देखने के लिए? नाजली क्या मैं किसी ऐसी चीज पे पैसे खर्च करूंगा जो इस्तेमाल में ना आती हो? कभी नहीं खर्च करेंगे। नाजली मेरे ख्याल से तुम्हें काम शाम छोड़ के कहीं और भी जाना है आज शायद। कहाँ जा रही हूँ मैं भला? चीजें समेट रही हूँ, काम करना है मुझे। 3 दिन में काम खत्म करने के चक्कर में खुद को परेशान कर रखा है तुमने। डिसाइडेड डेट पे हमने होटल खोलना है, मुझे काम करने दे प्लीज। काम करना तो सबका जरूरी है, तुम्हारा भी और मेरा भी, लेकिन आज रात नहीं। मैं तुमसे एक बात तय करना चाहता हूँ। फरीद साहब आपको क्या लगता है मैं आपके हाथ के बनाए हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगी? ये वैसा मुआहदा नहीं है, बस एक जबानी कमिटमेंट है। मुआहदा क्या है? आज रात एक दूसरे को नाराज नहीं करेंगे, कोई गुस्सा कोई झगड़ा नहीं और कोई बहस नहीं। आज रात ऐसे सवाल भी नहीं होंगे जिनके जवाब ना हो। आज रात सब पीछे छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ों को खत्म करते हैं। सिंपली आज रात हम सबसे दूर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। तो फिर चले क्या, कहीं खुली हवा में चलते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं। नहीं पहले मुझे किचन में जाके देखना है। आज रात हम काम नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मुआहदा किया उसमें काम ना करने की कोई चीज नहीं थी। नहीं थी क्या? नहीं थी बिल्कुल, बहस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात थी उसमें और कुछ नहीं। लेकिन अगर वहाँ जाकर हमारे दरमियान कोई बहस ना हो तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे मुआहदे, अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से किचन बहुत अच्छा बना है, इसमें कुछ चीजों की कमी है लेकिन वो हम आराम आराम से पूरी कर लेंगे, फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर यहाँ कोई नया काम करवाना है तो आज की शाम ये कहने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा और फौरन हाँ कर दूंगा। फिक्र मत करें, मैं मुआहदा नहीं तोड़ूंगी बिल्कुल भी। आखिर हमारा बजट मुश्तरका है, मतलब किचन की सारी चीजें मैं देखूंगी, इसलिए मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना। खैर वो सब बातें एक तरफ, आज शाम हम हिसाब किताब और बजट को एक तरफ रखते हैं। अगर आज हम बाहर नहीं जा रहे तो कुछ नया बनाना सीखते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? एक मिनट, हम साथ खाना बनाएंगे, मतलब आप मेरी मदद करेंगे? अगर मदद की जरूरत हो तो मैं इधर ही हूँ शेफ। वैसे सच पूछे तो आप बावर्ची खाने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, आप बहुत जगह घेरते हैं, लेकिन आज शाम गुजारा कर लूंगी। इधर उधर कुछ चीजें पड़ी हैं देख लेते हैं, आप मेरी हेल्प करवा दें। ऐसे सही है क्या? सही है सही है, इतना बुरा भी नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। खैर अब अगला काम क्या है? अब आलू को पैन में डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छा लेकिन ध्यान से, कहा था ना आपका हाथ तो नहीं जला। जला है लेकिन खैर है, ठीक हो जाएगा। ये क्या मतलब है ठीक हो जाएगा? नाजली किचन में अपने मददगारों को जलाती नहीं है। नाजली कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है, सूझ जाएगा, पानी भर जाएगा। नाजली जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। क्या मतलब है जरूरत नहीं है, उधर मरहम रखा है, मैं आपके हाथ पे लगा देती हूँ। नाजली जरूरत नहीं है,
ठीक है, हम अभी नहीं लगाते लेकिन बाद में जरूर लगाएंगे। कम से कम आज शाम का सबक तो सीख लिया होगा आपने। पहली बात, एक रेस्टोरेंट खरीदने से इंसान शेफ नहीं बन जाता। दूसरी कि सब अपना अपना काम करेंगे। तीसरा, बाकी जो रह गया है वो मैं कर लूंगी। जाने दो, मुझ पे तरस आ रहा है तुम्हें। ठीक है, मान लेती हूँ, ऊपर से तो नहीं दिख रहा लेकिन अंदर से जख्मी होंगे। एप्रन पहन लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑमलेट तुम बनाओगी। अगर ऑमलेट बनेगा तो वो मैं ही बनाऊंगा। आहा, वो क्यों? आलू तलना कितना मुश्किल है वो देख लिया आपने, जला लिया खुद को। मुश्किल काम तो मैंने कर लिया है, कम से कम मेरे हाथ का बना तो खाओगी। एक मिनट, क्या है वो मुश्किल काम? असल में ऑमलेट का राज तो आलू को इस तरह की शक्ल में काटना है। आहा, ये तो मैंने स्कूल में सीखा था। स्कूल में सब कुछ तो नहीं सिखाते ना। जल गए लेकिन गुरूर नहीं गया। ये रेस्टोरेंट में पहला खाना है? हाँ, आपके हाथों का। कैसा बना है? अभी स्टार्टिंग के लिए इतना बुरा नहीं बना है। लेकिन तुमने सही से खाया नहीं। मुझे भूख नहीं है, इतनी खुश हूँ और पुरसुकून हूँ कि भूख उड़ गई है। वाकई खुश हो क्या? अगर आज का सोचूं तो, अभी की बात करें अगर, तो बहुत खुश हूँ। लेकिन जब मैं कल का सोचती हूँ तो। मत सोचो, मैं भी शुरू से यही चाहता था। आज की रात सोचते हैं, लम्हे जीते हैं, कल परसों का कुछ नहीं सोचते। सवाल नहीं करते, जवाब नहीं ढूंढते, छोड़ देते हैं खुद को। परेशानी हो या बोझ, सब छोड़ देते हैं। मैं भी यही चाहती हूं कि सब छोड़ दूं, कुछ रिलैक्स करूं। किसका इंतजार है तुम्हें? सही वक्त का, अच्छे वक्त का, थोड़ा और इंतजार। शायद ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। Rainbows in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like that before. काश ये वक्त खत्म ना हो। क्या कहा तुमने? एक विश है बस। उम्मीद करता हूँ कि पूरी हो जाए।
जी दोस्तों, अहम दिन आ चुका है। आज हम ओपनिंग कर रहे हैं। आप लोग काफी थक गए होंगे। एक हफ्ते से हमने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज आप सबकी कोशिशों की वजह से आज हम अपना होटल ओपन कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत कमियाँ हैं, बिल्कुल हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक तैयार नहीं है। ना तजुर्बेकारी का नुकसान होगा तो बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसका मुकाबला कर लेंगे और इस होटल को इस्तांबुल का बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अब आप सब अपने कपड़े चेंज कीजिए और काम पे लग जाइए। लेकिन उससे पहले एक दो तीन बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबके काम में आसानी करे।